अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। मैट्रिक और इंटर के पर्चे नहीं हो रहे या फिर अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, जानिए इस वीडियो में। हुकूमत का कोरोना वायरस के मसले पर लॉकडाउन के बायस तमाम तालीमी इदारों की बंदिश में मजीद एक माह की तौसी पर गौर। जून में भी तालीमी इदारे बंद रहने का इम्कान है। बताया गया है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। आपको बताते चले कि इस सिलसिले में हुकूमत ने तमाम तर हिफाजती इकदामात पर फोकस किया है और किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। ज़राए के मुताबिक 31 मई तक तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन है, मगर हुकूमत तालीमी इदारों की बंदिश में मजीद एक माह की तौसी पर गौर कर रही है, जिसके तहत जून में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी होने का इम्कान है। आपको मजीद बताते चलें कि IBCC की होने वाली मीटिंग भी किसी फैसले पर मुत्तफिक ना हो सकी। मीटिंग में 3 पॉइंट्स पर बहस की गई। पहला पॉइंट, इम्तिहान मजीद और लेट नहीं किए जा सकते। दूसरा पॉइंट, इम्तिहानात का कोई दूसरा तरीका निकाला जाए जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म करके MCQs टाइप पेपर लेने की तजवीज भी पेश की गई है। पॉइंट नंबर 3 कि अगर बच्चों को प्रमोट किया जाए तो किस तरीके से किया जाए। इन तीनों पॉइंट्स पर बहस के बावजूद अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। ज़राए के मुताबिक 4 मई को दोबारा मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद कोई ना कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। लिहाजा स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि अपनी इम्तिहान के लिए तैयारी जारी रखें। इस बात का कभी इम्कान है कि लॉकडाउन के बायस MCQs टाइप पेपर लिया जाएगा।